आज मैं थोड़ा सा बात करूंगा कि डिज़ायर्स कैसे हमको ग्रिप करती हैं, कैसे पकड़ती हैं। ये कृष्णमूर्ति की फ्रीडम फ्रॉम द नोन से हम लोग पढ़ेंगे और ये बहुत बारीक है। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे जनों का बेसिक कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स हैं, वो इसको समझ सकें, बिकॉज़ कृष्णमूर्ति ने बहुत ही सटल चीज़ को हमारे सामने रखा है। अगर इसको हम पहचान सकें तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। प्लस इसमें कृष्णमूर्ति खुद एक खास प्रैक्टिस करते थे। उन्होंने एकदम क्लियर भाषा में बताया है कि वो किस तरह से अपने माइंड में अपने प्रैक्टिसेस को करते थे, डिज़ायर्स को, कि जब वो डिज़ायर्स उनके सामने आती थी तो वो कैसे उसके साथ डील करते थे, उसको शेयर किया है कृष्णमूर्ति ने। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि हम सब का दिमाग प्लेजर्स को, मतलब जो मज़ा आता है लाइफ में, उसको हम परस्यू करते रहते हैं। और बहुत अलग अलग तरह के प्लेजर्स होते हैं हमारे, और वो सब हमको बांध के रखते हैं क्योंकि हम उनको पकड़ के रखते हैं। एक्चुअली हमको कोई भी प्लेजर जबरदस्ती हमको सेंसेस पकड़ती नहीं है। हमेशा एक एक रूल है इस दुनिया में, जो भी इंसान पैदा हुआ है उसका सबसे पहला रूल ये है कि उसने खुद चाहा था, वो खुद विलिंग था, इनफैक्ट वो इंटरेस्टेड था, इसलिए वो आया इस फिजिकल वर्ल्ड में। तो सहज कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि हम सब प्लेजर्स के पीछे भागते रहते हैं। कौन कौन से टाइप के प्लेजर्स होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्लेजर्स होते हैं, लोगों को किताबें पढ़ने का मज़ा आता है, लोगों को सेंशुअस प्लेजर्स होते हैं, सेक्स के प्लेजर्स होते हैं, खूबसूरत दिखने का, खूबसूरत लोगों को देखने का, बिना कपड़े के या कपड़े के साथ लोगों को देखना, उसमें भी प्लेजर आता है। लोग शॉपिंग के, दुनिया भर शॉपिंग के चक्कर में पड़ी है। इसके बाद कल्चरल प्लेजर्स होते हैं, जो त्योहारों में मज़ा आता है लोगों को, जिसमें कि आदमी मतलब झूम जाता है, वो भूल जाता है कि उसके उसकी डेस्टिनी क्या है, लाइफ कैसी चल रही है। गरीब से गरीब इंसान हो चाहे अमीर से अमीर इंसान हो, कल्चरल प्लेजर्स में अपने आप को भूल जाता है। उसके बाद बड़ा ख़ास तरह का प्लेजर बोला है कृष्णा जी ने, रिफॉर्मेशन का प्लेजर, जिसमें कि हम किसी का कुछ सुधार कर रहे हैं। इसमें बहुत सी सोसाइटीज़ काम करती हैं, बहुत सी एनजीओज़ काम करती हैं और बहुत खुश होती हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन जैसे सहर जी कहते हैं जेनयोगा में, कि कोई भी चीज़ कितनी भी सेटिस्फाइंग हो, अगर वो हमको क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक नहीं पहुंचा रही है तो वो एक तरह का ड्रिफ्ट है। तो प्लेजर्स ऑफ रिफॉर्मिंग भी है। कृष्णमूर्ति ने बहुत से लोगों से मुलाकात की होगी, बहुत से लोग उनसे मिले होंगे, पूछा होगा कि हम अपने आप को स्पिरिचुअली कैसे ग्रो करें, लेकिन वो बेचारे नहीं कर पाए, यहाँ तक कि अपनी जान दे दी। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे इंदिरा गांधी का और कृष्णमूर्ति की बातचीत, कि किस कृष्णमूर्ति कह रहे थे इंदिरा गांधी से कि तुम छोड़ क्यों नहीं देती ये सब चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें प्लेजर होगा उनको, तो इसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ रिफॉर्मिंग। दूसरों को ये बताना कि अच्छाई करो, इसको कृष्णमूर्ति कहते हैं टेलिंग अदर्स वॉट टू डू। जब कोई भी माँ बाप बच्चों को बोलते हैं ऐसे जियो, ऐसे रहो, ऐसे मत रहो, हम अपने से नीचे के लोगों को या इवन हमसे बड़े लोगों को, जब ढेर सारे लोग कमेंट्स करते हैं, बातचीत करते हैं, तो सचमुच में हमारा इंटेंशन ये होता है कि सामने वाले को हमारी बात ट्रांसफ़र हो जाए, या हमारा इंटेंशन ये होता है कि हम उसको ये बात बोलें और हमारी बात बोली जाए, तब वो सही होगी। इसका मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ यहीं पर रुक कर। मुझे याद है हमारी मेरी मम्मी बहुत सालों तक मुझसे पीछे रही। इनफैक्ट मैंने 2001 में अपना MBBS कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर मेरा डॉक्टरी से मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था कि मैं डॉक्टरी को और परस्यू करूँ। वो मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि नहीं प्लीज़ बेटा MD कर लो, MD कर लो, मैं नहीं करता था। फिर एक दिन मेरी जब रिम्पी से बातचीत हुई और फिर जनोगा मेरी लाइफ में आई थी, उसके बाद फिर मेरे मन में ये आया कि चलो, रिम्पी ने भी मुझसे कहा कि अगर हम दोनों MD रहेंगे तो हम दोनों ज़्यादा बेटर तरीके से अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो मैंने फिर हाँ बोल दिया कि मैं MD करूँगा। आज भी मेरी माँ बेचारी को ये बात बड़ा हर्ट करती है कि मैंने कहा था तो तुमने नहीं किया और तुम्हारी वाइफ ने कहा तो तुमने किया। आपके भी घर में इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल्स होंगे, आप भी बहुत लोगों को बोलते होंगे कि मैंने कहा था। ये सेंटेंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम किसी को कुछ कहते हैं या कोई हमको ये कहता है ये काम तुम्हें करना है, और वो इम्पॉर्टेंट उस आदमी के लिए ये है या हमारे लिए ये है कि ये बात बोली गई है और मैंने बोला है और इसलिए हो रहा है, तो इसमें एक तरह का प्लेजर होता है। तो इसको कृष्णा जी कह रहे हैं, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना होगा। कम से कम हम अपने लाइफ में से, मैंने तो हटा दिया अपनी लाइफ में से, कि अगर मैंने किसी को कुछ काम करने के लिए कहा है और वो नहीं करता तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी फ्रीडम है। अगर करता है तो मैं अपने मुंह पे जिप लगा देता हूँ। ये कभी नहीं कहता हूँ कि मैंने कहा था ना तो तुमने नहीं किया ना। मैं ये भी नहीं कहता हूँ मैंने कहा था ना तुमने किया ना,
वो उसकी अपनी समझ है, अपनी अंडरस्टैंडिंग है। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि एक तरह का प्लेजर ये भी होता है कि दूसरों को बताना क्या करना है। सोसाइटी में से ईविल को ख़त्म करने का प्लेजर, ये तो पूरा आपके सामने है। आज जो पॉलिटिक्स चल रही है वो बोलने वाली बात है, लेकिन बहुत से लोग सचमुच में ईविल ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बुराइयाँ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, बिना ये खुद जाने कि फिज़िकल वर्ल्ड ब्लैक एंड वाइट और ग्रे इन सारे के सारे फोर्सेस से बना हुआ है, और इसको चेंज करना तभी पॉसिबल है जब हम चेंज होते हैं। बिना हमारा अपना पर्सनल एवोल्यूशन हुए हम किसी भी चीज़ को चेंज करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल इस कमरे का सामान उस कमरे में रख रहे हैं, उस कमरे का सामान यहाँ रख रहे हैं। सोशलिज्म के नाम पे कैपिटलिज्म आती है, कैपिटलिज्म के नाम पे कोई औरिज्म आ जाती है, लेकिन हम सब भ्रष्ट और हम सब दुखी और हम सब प्रसिद्ध होते हैं। तो कृष्णा जी कह रहे हैं सोसाइटी में से ईविल को ख़त्म करने का ईगो या तो प्लेजर, अच्छा करने का प्लेजर। बहुत से लोग हैं जो इसलिए नहीं स्पिरिचुअली अपने आप को ओरिएंट कर पाते हैं, इसलिए नहीं चल पाते हैं अपने स्पिरिचुअल पाथ पे, क्योंकि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, समाज का अच्छा कर रहे हैं। एक और प्लेजर बताते हैं कृष्णा जी, प्लेजर ऑफ ग्रेटर नॉलेज। जितना आपको ज्ञान होता है, जितना आपको जानकारी होती है, उतना ही आप और ज़्यादा फूलते जाते हैं, और ज़्यादा मज़ा आता है। कहीं ना कहीं दूसरे के ऊपर डोमिनेशन भी दिखाई देता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर में जो डर है उसको एक तरह का बाम लगता है, एक तरह की सुकून मिलती है। तो उसको भी कृष्णा जी कहते हैं प्लेजर ऑफ ग्रेटर नॉलेज। हमारे सामने अगर कोई और हमसे ज़्यादा जानता है तो हमारे ईगो को हर्ट होता है, इसलिए हम और जानना चाहते हैं, ग्रेटर नॉलेज, इसलिए हम स्पिरिचुअली और बड़ी बड़ी बातें जानना चाहते हैं। अभी एक सज्जन हमारे यूट्यूब के साथ जुड़े और उसके बाद हमसे पूछ रहे थे कि क्या इस कोर्स में कुछ सिखाया जाएगा, नया सिखाया जाएगा। तो हम लोगों ने कुछ सैम्पल उनके साथ शेयर किया जो हम सबके साथ शेयर करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं ये तो वही सब चीज़ें हैं जो वो शो बताते हैं या तो हमने कहीं पढ़ी हैं। तो जब तक माइंड में वो नहीं दिखाई देता कि ग्रेटर नॉलेज, कुछ और बड़ी चीज़ मिल जाए, तब तक। उसके बाद कहते हैं ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ, ये ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये जो प्लेजर है वो हमको बांधने वाली चीज़ है, वो एडिक्शन जैसी चीज़ है, जैसे सिगरेट की एडिक्शन होती है, ठीक ऐसे ही इस फिज़िकल वर्ल्ड में अगर किसी चीज़ ने हमको बांधा है तो वो प्लेजर्स के साथ हमारा रिलेशनशिप। तो हम दुनिया को और गहराई से समझना चाहते हैं ताकि हम दुनिया के ऊपर अपना रॉब डाल सकें, दिखाते हैं शायद हम लोग सब। उसके बाद एक और नया, और हाँ ये तो वैसे हमारे बहुत कॉमन प्लेजर है, प्लेजर ऑफ ग्रेटर एक्सपीरियंसेस। हमें से बहुत से लोग, इनफैक्ट मैं खुद बहुत साल पहले एक्सपीरियंसेस के पीछे बहुत भागता था, इसलिए मैं अलग अलग गुरुओं के पास जाया करता था, अलग अलग शिविर अटेंड करता था, 2 दिन का 10 दिन का। एक बार मैंने 42 डेज का एक शिविर अटेंड किया था इसी उम्मीद में कि मुझे कुंडलिनी का एक्सपीरियंस हो जाए। तो कृष्णा जी कह रहे हैं ये भी अपने आप में एक प्लेजर की ही पीछे भागने वाली चीज़ है, उसको बोलते हैं प्लेजर ऑफ ग्रेटर एक्सपीरियंस। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें कृष्णा जी कहते हैं ये सब कनिंग हैं, जहाँ पर भी ये सब चालाकी है हमारे दिमाग की। और जब चालाकी कहते हैं तो वो ये नहीं कह रहे कि हमारा दिमाग ख़राब है, वो ये कहते हैं हमारे दिमाग का तरीका है चीज़ों को के साथ जोर से जुड़ जाने का, ये हमारे थॉट्स का, ये जो हमारा माइंड है, कॉन्शियस माइंड, ये बस दुनिया के साथ और जबरदस्ती घुसना चाहता है और इन्वेस्टेड रहना चाहता है, इसलिए इसको कनिंग बोलते हैं। कृष्णा जी कहते हैं प्लेजर हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, इसी से बना हुआ है। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक हम सब सीक्रेटली, बिना किसी को बताए, कनिंगली, बहुत ही चालाकी के साथ परस्यू करते रहते हैं प्लेजर, चाहे नौकरी करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे शादी करें, चाहे बच्चे को पैदा करें, चाहे बच्चे को बड़ा करें, चाहे उसके लिए हम कुछ करते हैं, बोलते हैं ना बच्चों के लिए कर रहे हैं, वो भी एक्चुअली प्लेजर का ही परस्यूवल है। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने प्लेजर्स में हों, जब भी हम हों, और हम सब हमेशा किसी न किसी तरह के प्लेजर्स में ही होते हैं बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक जगह पर सहर जी कहते हैं ना, वैसे तो दिखती नहीं हम लोगों को चीज़ें, लेकिन अचानक से कोई दिखा देता है तो दिखना शुरू हो जाती है। तो जब कृष्णा जी कह रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है कि हम जिस भी प्लेजर्स में हैं उस समय हम उसको देख सकें, और कैसे देखें इसके भी कुछ खास तरीके बताए हैं, इसको प्लीज़ समझिएगा। 3 अलग अलग शब्द यूज़ किए हैं कृष्णा जी ने, क्योंकि अगर ये हम नहीं देख पाएंगे तो हम इसमें से निकल भी नहीं पाएंगे। बोलते हैं प्लेजर्स हमारी लाइफ को गाइड करता है, हमारी लाइफ को शेप देता है, इसलिए प्लेजर्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं 3 तरीके हैं अपने आप को इन्वेस्टिगेट करना, अपने अंदर के प्लेजर्स को जिसमें हम इन्वेस्टेड हैं उसको समझने के लिए। सबसे पहला, क्लोजली इन्वेस्टिगेट करना, बहुत नज़दीकी से।
इसीलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सेक्स को समझना अगर आप कोई ज़बरदस्ती के साधु हैं। हम सब जो लोग भी ब्रह्मचर्य को ज़बरदस्ती फॉलो करने की कोशिश करते हैं वो किसी न किसी को देख करके फॉलो करने की कोशिश करते हैं, वो हमारे अंदर से फूटा हुआ ब्रह्मचर्य नहीं है। तो क्लोजली अगर आप अपने प्लेजर को समझना चाहते हैं तो बेस्ट वे इज़ टू हैव अ लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप। तो अपने प्लेजर्स को समझने, इवन कोई भी अगर प्लेजर है उसको समझने के लिए आपको क्लोजली उसको समझना होगा। दूसरा बड़ा अजीब है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए, दूसरा शब्द यूज़ करते हैं कृष्णा जी हेजिटेंटली। हेजिटेंटली मतलब हम जब भी किसी चीज़ को समझते हैं ना तो हम पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हमको लगता है कि हम समझ चुके हैं, अब बताओ तुम्हें क्या पूछना है। ऐसा लगता है जैसे कि हम बात कर लें, मैं थोड़ा सा एक बात यहाँ रोक करके आपसे, कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें कृष्णमूर्ति बैठे हुए थे, बगल में उनके पोपुल जैकर बैठी हुई थी और बगल में अच्युत पटवर्धन बैठे हुए थे। ये तीनों ही अपने लाइफ में अपने ज़माने में अपने दिग्गज थे। कृष्णमूर्ति तो कृष्णमूर्ति थे, पोपुल जैकर वॉज वन ऑफ द मिनिस्टर्स ऑफ इंदिरा गांधी के उसमें कैबिनेट में, और अच्युत पटवर्धन भी बहुत बड़े पॉलिटिशियन थे। कहा जाता है एक टाइम पर वो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर उनका दावा था, वो माना जाता था कि वो। तो जब कृष्णमूर्ति कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने देखा कि पोपुल जैकर वॉज हेजिटेंट, जिसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं हेजिटेंट, रुक रुक कर सोच सोच कर अपने दिमाग को वॉच करके, बिकॉज दिमाग बहुत जल्दी स्लिप हो जाता है, बहुत जल्दी चलाकी से कहीं से कहीं चला जाता है। लेकिन वहीं पर अच्युत पटवर्धन जी जो थे ही वॉज मोर फास्टर, ही वॉज मोर क्विकर, इसका मतलब ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और फटाफट कंक्लूजन्स पे पहुँचते थे, फटाफट एक थॉट से जम करके दूसरे थॉट पे पहुँच जाते थे। तो जो हेजिटेंटली है वो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप अपने प्लेजर्स को समझना चाहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने प्लेजर्स को समझने से पहले उसको जज कर देते हैं फटाफट, अरे ये तो सेक्स है, ये नहीं होना चाहिए मेरी लाइफ में, ये मुझे दोबारा करना नहीं, मुझे बताओ कैसे नहीं करना है। ये जब हम हेजिटेंट नहीं होते हैं तो हम फटाफट सवाल पूछते हैं, हमने किसी की बात से मुँह से कुछ सुना कि ये चीज़ सही है ये चीज़ गलत है, तो हम फटाफट उसको बिना समझे बिना एक्सपीरियंस किए बिना उसमें से अपने आप को गहराई में जाए हम उसकी बात को मान लेंगे और उसके बाद बोलेंगे आप बताइए हम कैसे करें। तो कृष्णमूर्ति इसलिए बोलते थे डोंट आस्क हाउ। तो ये दूसरी क्वालिटी है, पहला बहुत बारीकी नज़दीक से किसी चीज़ को एक्सपीरियंस करना है, समझना है अपनी प्लेजर्स को। दूसरा हेजिटेंटली, दूर से पास, दूर से मतलब बच बच के और फिर इन्वॉल्व होकर फिर बच बच के। इसलिए अगर आपको रिलेशनशिप में जाना है तो ऐसा मत सोचिएगा कि मैं बस अब 100 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में चला जाऊं या पूरी तरह से पैसे में डूब जाऊं, शराब में डूब जाऊं, ऐसा नहीं। हेजिटेंटली मतलब बच बच के, दूर दूर से, पास से, दूर से, सोच के समझ के, फिर एक्सपेरिमेंट कर करके। और थर्ड है डेलिकेटली, बहुत नाजुकता से, माइंड को समझने के लिए नाजुकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए हमारे जो इमोशंस हैं उनका सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिंपथी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी बताई गई है अगर हम सब अपने आप को जानना चाहते हैं। बोलते हैं ये तीनों क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम प्लेजर्स को समझना चाहते हैं, क्योंकि प्लेजर ही हमारी ज़िंदगी को नरिश करता है। हम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक प्लेजर्स के इंजेक्शन से ही अपने आप को बचाए रखते हैं, ज़िंदा रखते हैं, इसी से हम सस्टेन करते हैं। ये हमारी ज़िंदगी का बेसिक डिमांड हो गया है। अगर प्लेजर हमसे हट जाए आज की डेट में, अगर हमसे टीवी हटा लीजिए, इंटरनेट हटा लीजिए, दोस्त हटा लीजिए, पार्टीज हटा लीजिए, अलग अलग टाइप के भोजन हटा लीजिए बहुत, तो हमारी लाइफ कैसी हो जाएगी? डल, स्टूपिड, लोनली और मीनिंगलेस। इसलिए इससे बचने के लिए हमको, ये वही है जैसे सहर जी कहते हैं ना कि हमारी लाइफ एकदम डल है, हम सुपरफिशियली जी रहे हैं। अगर इन प्लेजर्स के ज़रिए अपने आप को हम किक्स ना दें तो हमारी लाइफ डल हो जाती है, स्टूपिड हो जाती है, लोनली हो जाती है और मीनिंगलेस हो जाती है। आगे कृष्णा जी कह रहे हैं तो आप पूछेंगे कि हम क्यों ना अपने आप को प्लेजर्स में न जाने दें। भाई जब हमको बोरिंग लाइफ से, डल लाइफ से और स्टूपिड बनने से कोई चीज़ बचा रही है तो हम क्यों प्लेजर्स से अपने आप को दूर रखें? तो बोलते हैं एक सिंपल रीज़न है इसके पीछे, बहुत ही क्लियर रीज़न है। जब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि हम क्यों इंटरनेट ना देखें, क्यों हम फिल्में ना देखें, हो सकता है वो आपसे बात करने को तैयार ना हो सकता है आपसे बहस करने को तैयार हो, बट फिर भी बहस के दौरान भी एक छोटा सा हल्का सा कम्युनिकेशन तो होता है। अगर मैं अपने बच्चे से कभी इस तरह की किसी डायलॉग में रहूँगा तो अगर वो मुझसे पूछेगा क्यों मैं अपनी लाइफ को एंजॉय ना करूँ, क्यों मैं अपने आप को प्लेजर्स में ना डूबूँ, तो कृष्णा जी जो कह रहे हैं मैं उसके साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग शेयर करूँगा कि मैं क्यों नहीं जाता हूँ उसमें।
मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम मत जाओ, मैं अपने बारे में कहूँगा। कृष्णा जी कहते हैं क्योंकि जब हम प्लेजर्स को पीछे पड़ते हैं, प्लेजर्स को परस्यू करते हैं, तो वो पेन लेकर आता है, तकलीफ लेकर आता है, फ्रस्ट्रेशन लेकर आता है, सौरो मतलब दुख लेकर आता है, और डर लेकर आता है। क्योंकि हम, जैसे हमने बहुत बार इसको रिपीट किया है, और रिपीट करने में कोई बुराई नहीं है, बार बार कर सकते हैं, क्योंकि समझने में हमको हेल्प करेगा। दुख इस दुनिया का नियम है, लेकिन दुख वैसे दिखता ही नहीं है ना, हमने शुगर कोटिंग कर रखी है प्लेजर्स के जरिए। और ये ऐसा यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाता, दुख जो है इसके बाद इसी में से निकल के आता है वॉयलेंस और फियर। एग्जैक्ट सेम वर्ड्स कृष्णा ने गीता में कहा है कि दुख आता है, फियर वॉयलेंस लेकर आता है, गुस्सा निकलता है दुख में से। जब भी हम दुखी होते हैं तो हमको कोई ज़रा सा भी टच करे तो गुस्सा आ जाता है। अगर आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं इस तरह से तो जिए, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया जी रही है। लेकिन अगर सचमुच में आप हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद होना चाहते हैं इस सौरों से, तो आपको इस प्लेजर के, अपने इस आनंद के चक्कर को समझना होगा, इसके स्ट्रक्चर को समझना होगा। ये एक तरह का जेल है, अपनी आँखों को खोलना होगा। अच्छा, आगे क्या बोलते हैं कृष्णा जी कि प्लेजर्स को समझने के लिए इतनी जल्दी डिसीजंस में मत आइए कि वो बुरा है, इसको डिनाई मत करिए। हमको इसको कंडेम नहीं करना है कि ये बुरा है, क्योंकि कंडेम करेंगे, अगर उसको आप सही बोलेंगे या गलत बोलेंगे, तो भी कहीं ना कहीं अंदर से हमारी बॉडी, हमारा ई सेंटर, हमारा आई सेंटर, हमारा एस सेंटर उसको परस्यू करता रहेगा। हमने ठीक है बोल दिया किसी के मुँह से सुन करके, किसी के प्रेशर में आकर के, कि कोई बहुत इंटेलिजेंट है उसको देख करके हमने बोल दिया, लेकिन हमारी बॉडी तो परस्यू करती रहेगी। तो कहते हैं चलो आँखें खोलते हैं, और हम किस चीज़ को सीख कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, जो कि हमारी लाइफ में एक्चुअली पेन और सौरों लेकर आई, उसको जानने का हमको अधिकार नहीं है क्या? कृष्णा जी कह रहे हैं कि ठीक है, आपको जीना है तो जिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्ज़ी है। बहुत से लोग प्लेजर के पीछे भागते हैं, लेकिन अपने आप को कम से कम ये बता दीजिए कि जिस प्लेजर के साथ या जिस प्लेजर के पीछे आप भाग रहे हैं, जिसको यूज़ करके आप अपने आप को भ्रम में रखा है, उसका ये धागा जिसको आपने पकड़ करके चालू किया है, उसका वो एंड पेन के साथ है। इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं योगी वो है जो सुख और दुख के परे चला जाए, जो लाभ और हानि के परे चला जाए, जो मित्र और शत्रु के परे चला जाए। एक खाली पॉजिटिव को पकड़ करके नेगेटिव को छोड़ने की बात नहीं करते हैं। ये प्लेजर का जो दूसरा एंड है वो पेन है। अगर पेन नहीं चाहिए तो प्लेजर को भी हमको समझना होगा, बट जल्दबाजी न करें। कहते हैं अब इस प्लेजर की डेप्थ में अगर जाएं तो बोलते हैं हमारा माइंड 24 घंटे साइकोलॉजिकली जो थॉट है, हमारा हर थॉट ऐसे भागता रहता है, जैसे दौड़ता रहता है प्लेजर्स के पीछे। हमको ना मिले वो सामान, लेकिन हमारे मन में वो सामान को वो खींचता रहता है। जैसे किसी को दौरा पड़ता है ना, एक एपिलेप्टिक फिट्स पड़ते हैं, ठीक ऐसे ही हमारा माइंड थॉट्स हमेशा दौड़ता रहता है, शांत बेचारा रह नहीं पाता है। अगर आप सीरियसली देखें तो आपका माइंड, हमारा माइंड हमेशा ढेर सारे काम करता है, अच्छे काम करता है, ख़राब काम करता है, महान काम करता है और कम महान काम करता है, छोटे मोटे काम करता है, लेकिन वो इन सब के ज़रिए अंडर करेंट में प्लेजर को परस्यू कर रहा होता है। हम क्यों करते हैं या क्या चलता है जिस समय हम प्लेजर को परस्यू करते हैं? कृष्णा जी चार स्टेजेस बताते हैं प्लेजर के, और ये चारों स्टेजेस को आप अपने, जब भी कोई चीज़ सुबह से लेकर शाम तक आपके माइंड में परस्यूअल चलता है, कोई थॉट चलता है, तो आप इसको देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है प्लेजर के चार स्टेजेस। सबसे पहला है परसेप्शन, किसी भी चीज़ को दूर से उसकी एनर्जी हमारे आँखों पर, हमारे कान पर पड़ी, परसीव किया हमने, तो सबसे ये इसे हमारा सहज जी की बुक है उसमें भी है, बुद्धा की टीचिंग्स है उसमें भी है, बट कृष्णमूर्ति का अलग तरीका है उसको बोलने का। सबसे पहला स्टेज है परसेप्शन। जब भी कोई प्लेजर को हम परस्यू करते हैं तो सबसे पहले उसमें से हमको परसीव होता है वो चीज़। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है सेंसेशन, इसको मैं एग्जांपल के साथ समझाऊंगा अभी। थर्ड पॉइंट आता है कॉन्टैक्ट, और चौथा आता है डिज़ायर। परसेप्शन, सेंसेशन, कॉन्टैक्ट और लास्ट में डिज़ायर। कृष्णा जी कह रहे हैं एक खूबसूरत कार देखा आपने, तो उस कार का, उसकी शक्ल, उसका पेंट वगैरह का, उसके फ़ोटो आपने देखी इंटरनेट पर, तो उसकी सेंसेशन आपको मिली, फिर आपका माइंड ने रिएक्ट किया, आपने उसको फिर और गहरे से देखा, और उसके बाद आपने उसको टच किया। एक खूबसूरत कार है, आपने उसको टच किया।
अगर टच नहीं कर पाए तो कम से कम आपने उसकी फोटो को इमेजिन किया कि अगर आपके पास होती तो कैसा होता। कार की बात है, अगर हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ सोचिए जो आपके पास अफोर्ड कर सकते हैं, जिसके पीछे हम भागते हैं, बच्चे हैं वो कपड़ों के पीछे होते हैं, मोबाइल फ़ोन के पीछे आजकल बड़ा पागलपन होता है। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे हमारे यहाँ आते हैं तो जब किसी खास मॉडल का मोबाइल हमारे यहाँ आता है तो एकदम खूब नाचने लगते हैं। तो बोलते हैं आपने फिर कोई चीज़ का परसेप्शन आया, फिर उसकी आपने सेंसेशन को ट्रिगर किया अपनी इमेजिनेशन से, या तो उसको टच करके, ये हो गया सेंसेशन। कृष्णमूर्ति यहाँ पर चीज़ें बदल देते हैं हमारे साथ। हम तो ये कहेंगे कि एक कार देखी या तो मोबाइल फ़ोन देखा तो उसकी डिज़ायर हमारे अंदर में कॉन्टैक्ट किया, उसको फिर डिज़ायर आ गई, फिर हम उसको पकड़ना चाहते हैं। लेकिन कृष्णमूर्ति ने यहाँ पर कार की बात से थोड़ा सा शिफ्ट कर गए, कहते हैं कि उसके बाद मान लो एक खूबसूरत बादल देखा, किसी क्लाउड को देखा, किसी माउंटेन को देखा, आसमान को देखा, एक पत्ते को देखा या बारिश को देखा, ये सारी की सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम डिज़ायर नहीं कर सकते। तो कृष्णमूर्ति बहुत ही प्यार से हमको स्विफ्टली शिफ्ट कर रहे हैं कि ये सारी की सारी डिज़ायर हो सकती हैं, हमारा माइंड को परस्यू कर सकता है अगर हम कॉन्शियस नहीं हैं तो। बट यहाँ पर अगर आप इसलिए कहते हैं नेचर के साथ रहेंगे तो डिज़ायर को आप ज़्यादा आसानी से समझ आएंगे। तो कहते हैं कृष्णा जी, आप खूबसूरत पत्ते को देखते हैं या एक किसी डीप वैली को देखते हैं, कहीं पहाड़ी की झील को देखते हैं, और इन सब की खूबसूरती, इसकी ग्लैमर, इसकी स्प्लेंडर ने सनसेट को देखते हैं, या किसी इंसान के खूबसूरत चेहरे को देखते हैं, इंटेलिजेंट चेहरे को देखते हैं, किसी के अलाइव चेहरे को देखते हैं, या किसी ऐसे इंसान के चेहरे को देखते हैं जो आपके आसपास हैं जिसकी ज़िंदगी में से खूबसूरती ख़त्म हो चुकी है, कोई गरीब, कोई बूढ़ा, कोई मायूस, कोई बोर, कोई परेशान आदमी, जब आप उसको देखते हैं आप इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? हम बड़ी खुशी के साथ देखते हैं, कृष्णा जी कह रहे हैं, और उसको जब हम ध्यान से देखते हैं, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं जब मैं देखता हूँ मैं तो वहाँ से, ये बहुत कम जगहों पर कृष्णमूर्ति ने आई वर्ड का यूज़ किया है, चूँकि ये किताब फ्रीडम फ्रॉम द नोन उन्होंने लिखा है, तो बोलते हैं जब मैं देखता हूँ इन सब चीज़ों को तो मैं बहुत मन से देखता हूँ, खूब डिलाइट के साथ देखता हूँ, और मैं जब वहाँ देख रहा होता हूँ तो ऑब्जर्वर नहीं होता है वहाँ पर, कोई नहीं, जो कृष्णमूर्ति बार बार बोलते हैं ऑब्जर्वर इज़ द ऑब्जर्व, बिना ऑब्जर्वर के देखते हैं वो, कहते हैं मैं इन सारी की सारी चीज़ों को, सारी खूबसूरती को खूब खूब मन से देखता हूँ, और उस समय कोई ऑब्जर्वर नहीं होता है, उस समय केवल वो मोमेंट होता है और मैं एब्सेंट होता हूँ, मेरी प्रॉब्लम्स नहीं होती, मेरी एंग्जाइटीज़ नहीं होती, मेरी मिजरीज नहीं होती, मेरे दुख नहीं होते उस समय, उस समय केवल वो खूबसूरत चीज़ होती है बस। बोलते हैं उसके बाद मैं उस जॉय को, जो भी उस चीज़ की उस सुंदरता को देखने के से जो मुझे जॉय मिला उसको मैं वहीं भूल जाता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट मोमेंट में चला जाता हूँ। अगर हम ऐसा ना करें तो क्या होगा? कृष्णा जी कह रहे हैं तब हमारा माइंड एक प्रॉब्लम बना देगा, जो कि हम सबके साथ बनाता है, कृष्णमूर्ति के साथ नहीं बनाता, बिकॉज वो बोल रहे हैं मैं जब किसी चीज़ को बड़ी मन से, बहुत खूबसूरती चीज़ आई उसको देखता हूँ। कृष्णमूर्ति बहुत बार बोलते थे, उनके साथ बच्चे हो रहे हैं तो बोलते थे सनसेट को, सनराइज को देखो। एक बार कहीं पर कोई दिवाली का पड़ाका बॉम्ब कोई फोड़ रहा था, कोई अनार फोड़ रहा था, तो एक बच्चा उसको नहीं देख रहा था, कृष्णमूर्ति बोलते ध्यान से देखो उसको, ध्यान से, बोलते उसको खूब जॉय के साथ देख लोगे, उसके बाद वो मोमेंट वहीं पर ख़त्म होने दो। बट हम क्या करते हैं, उस मोमेंट को अपने साथ ले आते हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं अगर आप उसको अपने साथ ले आएंगे तो प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, माइंड उसके बारे में सोचेगा और उसके बाद बार बार सोचेगा कि वो कितना खूबसूरत था, कैसा मोमेंट था, और फिर मैं अपने आप को, कृष्णा जी बोल रहे हैं हम अपने आप को बताते हैं कि ऐसा मुझे दोबारा एक्सपीरियंस चाहिए। हमारी लाइफ में भी ऐसे ही होता है, हमने किसी के खूबसूरत कपड़े को देखा तो हमको लगता है हमको भी चाहिए, क्यों? बिकॉज उस मोमेंट पे उस खूबसूरती से हमको इतना मज़ा आया कि हम उसको रिपीट करना चाहते हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी हमको ऐसे लगता है कि हमने किसी मोमेंट पे बड़ा खूबसूरती खबीश बड़ी शांति एक्सपीरियंस की तो हमको लगता है दोबारा चाहिए। तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि हम उसको रिपीट करना चाहते हैं, फिर ये थॉट जो होता है कंपैरिजन स्टार्ट करता है, जब नया एक्सपीरियंस आता है तो पुराने वाले एक्सपीरियंस को जिसको ये चाहता है उससे ये कंपेयर करना शुरू करता है, जज करना शुरू करता है, और बोलता है नहीं नहीं ये तो कम इंटेंस है, इसमें कम मज़ा है, मुझे वही वाला मज़ा चाहिए। और इस तरह से हम एक मोमेंट को जो कि यहीं चालू हुआ और यहीं ख़त्म हो सकता था और यहीं हमको फ्री कर सकता था, हम उसको बना देते हैं एक कंटिन्यूएंस, एक एक्सपीरियंस जो हमको टाइमलेसनेस में ले जा सकता था उसको हम ज़बरदस्ती टाइम में बांध देते हैं जब हम बोलते हैं कि हमको
ये एक्सपीरियंस बार बार चाहिए। तो डिज़ायर इसलिए होती है बिकॉज हम उस डिज़ायर को रिपीट, उस एक्सपीरियंस को रिपीट करना चाहते हैं। तो कृष्णमूर्ति बोलते हैं जिस समय भी, जिस भी एक्सपीरियंस में आप हैं उस समय उसी के साथ रहिए, तब वो मेमोरी नहीं बनेगा। और अगर मेमोरी बनता है तो उसको ध्यान से देख करके उसको बाय बाय कर दीजिए। थैंक यू। दोस्तों, जनों का बेसिक कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जहां पर आप हमारे जो बेसिक कोर्स के जनोगा के हिंदी वीडियोस आपको मिलेंगे, और आपके जो सवाल हमारे पास आएंगे उसको हम लोग वीडियोस में बना बना करके आपको फ्यूचर में डालते जाते हैं। इसके ज़रिए आप अपने आप को पूरी तरह से समझ सकते हैं, अपने माइंड को पूरी तरह से समझ सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी को पूरी तरह से समझ सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी भी प्रैक्टिस में हैं और आप स्टक हैं तो वो क्लियर कर सकते हैं इस कोर्स के ज़रिए। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन जनोगा बेसिक कोर्स। सेक्सुअलिटी को लेकर के हमने अभी बहुत ही रिसेंटली स्टार्ट किया है कोर्स, जिसका नाम है स्पिरिचुअल मास्टरबेशन। इसमें आप अपनी सेक्सुअलिटी को, अपने बच्चों की सेक्सुअलिटी को, अपने आसपास की जो भी रिलेशनशिप की इश्यूज हैं उसको पूरी तरह से डिटेल में समझने के लिए ये कोर्स है। और आप इसको ज्वाइन करके अपने इस पूरे ब्रह्मचर्य के प्रोसेस को समझ सकते हैं कि किस तरह से एक आदमी सेक्सुअलिटी के जरिए होते हुए ब्रह्मचर्य में जा करके उसके बियॉन्ड जा सकता है। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन इट। पता है बिजनेस में बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमको बहुत आसानी से अगर कोई बता दे तो हमारे रिस्क बहुत कम हो जाते हैं। कहा जाता है कि हमको कोई बताने वाला नहीं है। इवन MBA में भी इतनी कॉम्प्लेक्स और जार्गन करके बताते हैं कि एक बच्चा जब बिजनेस MBA करके आता है तो उसको क्लियर नहीं होता बिजनेस कैसे करते हैं। तो आप WBX ज्वाइन करके, वर्ल्ड क्लास बिजनेस एग्जीक्यूशन कोर्स ज्वाइन करके अगले एक साल तक आपको हमारे ढेर सारे बिजनेस के वीडियोस बनेंगे, जो कि हम बहुत नटशेल में खोज खोज के निकाल के ले आते हैं। दुनिया की जो बेस्ट इनसाइट्स है, बेस्ट बिजनेस बुक्स हैं, उसमें से निकाल के लाते हैं, आपको शेयर करते हैं। तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन बिजनेस बेसिक कोर्स या WBX। थैंक यू।